नमस्कार। पश्चिम बंगाल के लिए दुर्गा पूजा उसके कल्चरल सिंबल से जुड़ा हुआ है। ये पूजा वहाँ के लोगों के लिए समझिए कि ऑक्सीजन का काम करती है। लेकिन पिछले कुछ सालों में हमने ये देखा कि दुर्गा पूजा को लेकर एक अजीब तरह की राजनीति पूरे पश्चिम बंगाल में देखने को मिली। दुर्गा पूजा जो कि आस्था से जुड़ा हुआ मामला है, उसे पूरी तरह से राजनीतिक रंग दे दिया गया। साल 2017 में अगर आपको याद हो तो पश्चिम बंगाल सरकार और वहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दुर्गा पूजा और मुहर्रम जो साथ साथ मनाए जा रहे थे, उसमें दुर्गा पूजा के दौरान मूर्ति विसर्जन पर प्रतिबंध लगा दी और मुहर्रम के जुलूस को उन्होंने हरी झंडी दे दी। इसके बाद से विवाद और बढ़ गया। इस मामले को राजनीतिक तौर पर बहुत उछाला गया और नतीजा ये हुआ कि ममता बनर्जी को इसका खामियाजा उठाना पड़ा। उसके बाद भी हमने कई बार देखा कि मदरसों को लेकर या इमामबाड़ों को लेकर इस तरह से एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखा ममता बनर्जी सरकार का, और नतीजा ये हुआ कि इसको बीजेपी या उनके विपक्षी दलों ने खूब भुनाया। ममता बनर्जी को ऐसा लगता है कि मुसलमानों को वो अगर खुश करती हैं तो उन्हें अच्छा खासा वोट मिल सकता है। उनके वोट बैंक पर मुसलमानों का एक बहुत बड़ा प्रभुत्व है और मुसलमान उनके बहुत बड़े वोटर भी बन गए हैं, ये इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हाल के दिनों में जब पिछली बार लोकसभा के नतीजे आए तो तमाम कोशिशों के बाद भी, मुसलमानों को गोलबंद करने की तमाम कोशिशों के बाद भी, ममता बनर्जी अपनी सीटें बचा नहीं सकी। 18 सीटें उन्हें गंवानी पड़ी और नतीजा ये हुआ कि 22 सीटों पर, जो उनकी पार्टी 38 सीटों पर थी, वो सिर्फ 22 सीटों पर सिमट गई 37 सीटों से। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि बाकी सीटें जीतने में बीजेपी कामयाब रही। बीजेपी जिसका एक एजेंडा रहा है कि हमेशा वो सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर चलती है। बीजेपी ने पिछली बार देखा गया कि जैसे ही दुर्गा पूजा के दौरान ये विवाद बढ़ा, इसे हाथों हाथ लपक लिया और इसका बहुत बड़ा फ़ायदा उसे अभी जो हाल लोकसभा चुनाव हुए हैं 2019 में, जिसके नतीजे आए, उसमें बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। 18 सीटें जीतकर बीजेपी पश्चिम बंगाल में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई और तकरीबन वोट फीसदी में भी ज़बरदस्त इजाफा, 40% के आसपास, 42% के आसपास वोट आए थे भारतीय जनता पार्टी को। लेफ्ट को बीजेपी ने पूरा साफ कर दिया और ममता बनर्जी का जो एक छत्र राज था, जो उन्हें लगता था कि पश्चिम बंगाल में कभी उनके इस राज को, उनके इस किले को कोई भेद नहीं पाएगा, उनकी इस गलतफहमी को भी बीजेपी ने दूर कर दिया। बहरहाल हम मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा ये है कि एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा को लेकर राजनीतिक रंग या राजनीतिक पारा चढ़ सकता है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पहली बार ऐसा होगा, अगर सब कुछ ठीक रहा या अमित शाह चाहेंगे तो, पहली बार ऐसा होगा कि जिस दुर्गा पूजा कमेटी के पूजा का उद्घाटन अब तक ममता बनर्जी करती आ रही थी, वो इस बार अमित शाह करेंगे। बिल्कुल सही सुना आपने, वो पूजा कमेटी जिसकी पूजा का उद्घाटन अभी तक ममता बनर्जी करती आ रही थी, फीता वो काटती थी, इस बार अमित शाह उसका फीता काटेंगे। आपको बता दें, संघ श्री दुर्गा पूजा कमेटी, ये वो कमेटी है जिसके अध्यक्ष या जिसके संचालक कह लें, कभी ममता बनर्जी के भाई कार्तिक बनर्जी हुआ करते थे। लेकिन अब पासा पलट गया है, इस कमेटी में अब कार्तिक बनर्जी का उतना प्रभुत्व रहा नहीं। नतीजा ये है कि इस बार ममता बनर्जी को नहीं बुलाया जाएगा। अब इस कमेटी को कौन हेड कर रहा है, आपको ये भी बता दें, बीजेपी के स्टेट यूनिट सेक्रेटरी सयांतन बसु का कहना है कि इस बार हमने अमित शाह को इसके लिए निमंत्रण भेजा है और वो इस बार अगर चाहेंगे तो पूजा का उद्घाटन करने आ सकते हैं। बड़ी बात बता दें कि बीजेपी की तरफ से जो स्टेट यूनिट है बीजेपी की, उसमें सयांतन बसु इस वक्त सचिव हैं और वो इस कमेटी को हेड कर रहे हैं इस वक्त। तो अब चूंकि बीजेपी का कोई शख्स बैठा हुआ है, इसलिए ये उम्मीद की जा रही है कि अमित शाह आ सकते हैं। वैसे भी पश्चिम बंगाल पर पूरा फोकस है, आपको भी पता है, पूरा फोकस है बीजेपी का। अभी हाल ही में जो 2 सालों तक अमित शाह ने मेहनत की, नतीजा ये रहा कि 2016 में जब चुनाव हुए तब पार्टी ने अच्छा कमाल किया और 2019 में जब लोकसभा के चुनाव हुए तब पार्टी ने अच्छा कमाल किया, पंचायत चुनाव में पार्टी ने अच्छा कमाल किया। और जो बीजेपी लगातार अच्छा करती जा रही है, इसी वजह से ममता बनर्जी चढ़ी हुई हैं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बार बार निशाना बनाया जा रहा है। तो आप एक ये सोच कर देखिए कि अगर पश्चिम बंगाल में अमित शाह दुर्गा पूजा का उद्घाटन करने आते हैं तो क्या होगा।
सीन बिल्कुल बदला हुआ सा होगा। इसलिए भी मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि अभी हाल ही में जब रैली कर रहे थे अमित शाह, उनकी रैली को रोका गया, जबरन रोक दिया गया पश्चिम बंगाल में, उसकी राजधानी कोलकाता में जब उनकी रैली हो रही थी तो वहाँ पर उनकी रैली पर पाबंदी लगाने की कोशिश हुई, उस पर हमले किए गए। तो अब जब ममता बनर्जी के गढ़ में जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो सबसे बड़ी संपत्ति है बंगालियों की या पश्चिम बंगाल के लोगों की, जब उस पर बीजेपी अपना कब्जा जमा लेगी, तो इसका एक अर्थ ये भी हुआ कि वहाँ के सीधे लोगों के घरों तक बीजेपी अपनी पहुँच बनाएगी, धर्म से लोगों को जोड़ेगी और इस धर्म के जरिए वोट को भी जोड़ सकती है। इस पॉलिसी पर बीजेपी काम कर रही है। नतीजा यही है कि अब ममता बनर्जी की बौखलाहट आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है। हम इसलिए बार बार कह रहे हैं कि अब चूंकि मौका बदल चुका है, अब सब कुछ बदल चुका है, ममता बनर्जी के हाथों से चीज़ें बदलती जा रही हैं, और अगर ममता बनर्जी ने अपनी आदत में सुधार नहीं किया तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब 2021 में चुनाव होंगे तब सत्ता बदलने में जनता देर नहीं करेगी। बंधुगण, अपना देर सोभाई के हमार नमस्कार। ভারতের এগিয়ে যাওয়ার পথে আপনাদের, আমার কিষান ভাইদের অবদান অমূল্য। আর তাই আমার চাষি ভাইদের এই বিপুল জনসমাগম দেখে আমি খুব আনন্দিত। বন্ধুগণ, আমার সরকার, আপনাদের সরকার, কিষান দরদি সরকার, অভি হালই মে হমারি সরকার নে এক এসা ফেসলা লিয়া হ্যায় জো পশ্চিম বঙ্গাল কে কিষানো কে জীবন মে ভি এক বহুত বড়ি নই তাকত দেনে ওয়ালা। साथियों, पहले हर सरकार के पास एमएसपी की बढ़ोतरी की मांग की गई, अनेक कमीशन बैठे, कमेटियां बैठी, हर बार उसको टाल दिया गया। एमएसपी बढ़ाने की फाइलों को दबोच करके रख दिया गया, किसानों को एमएसपी सही मिले इसके लिए किसान मांग करते रहे, आंदोलन करते रहे, लेकिन न राज्यों की सरकारों ने सोचा, न दिल्ली में बैठे हुए लोगों ने किसानों की सुनी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद आज लागत का 1.5 गुना किसानों को एमएसपी देने का निर्णय आज हमारी सरकार ने कर लिया। भाइयों बहनों, इसके कारण धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में एमएसपी में सरकार ने प्रति क्विंटल 200 रुपया की बढ़ोतरी की है। इसी तरह एमएसपी में 250 रुपये की बढ़ोतरी की गई है, मक्के के लिए 250 रुपये, लगभग 1100 रुपये क्विंटल लागत के ऊपर मक्के का समर्थन मूल्य 1700 रुपये कर दिया गया है। साथियों, मक्के के अलावा ज्वार, रागी जैसे पौष्टिक और फाइबर से परिपूर्ण अनाज के लिए भी लागत के ऊपर 50% से अधिक का लाभ सुनिश्चित किया गया है। खरीफ की इन अहम फसलों के सरकार ने कुछ महीने पहले, और जिसका बंगाल से सीधा संबंध है, जूट के एमएसपी में हमने 200 रुपया प्रति क्विंटल बढ़ोतरी की है। साथियों, जब 2014 में हमारी सरकार बनी थी
तब जूट की औसत कीमत प्रति क्विंटल 2000 रुपये से भी कम थी। पिछले वर्षों में जूट की प्रति क्विंटल कीमत को हमने 1700 रुपयों से ज्यादा बढ़ोतरी की है। इस फैसले का पश्चिम बंगाल के जूट के जो उत्पादक हैं उन हमारे किसान भाइयों को फायदा हुआ है। किसान हमारा अन्नदाता है, गांव हमारे देश की आत्मा है। कोई भी समाज तब तक आगे नहीं बढ़ सकता है जब तक उसका किसान अगर उपेक्षित रहता है तो। कोई भी देश तब तक आगे बढ़ नहीं सकता है जब तक गांव आगे न बढ़े।